आज के इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी अध्यापकगण का, अभिभावकगण का और अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस कोविड की महामारी में आप स्वस्थ होंगे और पूरा परिवार आपका सुरक्षित होगा। इस बीच अनेक बार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ राष्ट्रपति जी भी अनेक बार जुड़े हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई बार जुड़े हैं, हमारे बीच आए हैं, और मैंने भी समय समय पर कई बार आपसे सीधा विमर्श करने की कोशिश की है। और जबकि कोरोना काल के इस महासंकट में जब चारों तरफ हमारे सामने चुनौतियां थी और कठिनाइयां थी, मुश्किलों के उस दौर में भी आप सभी अध्यापक गण ने जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और बच्चों को जिस तरीके से संभाला है, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और मैंने लगातार इस बात को कहा है कि यदि बहुत सारे लोगों का इस कोरोना काल में बहुत योगदान है, तो शिक्षा से जुड़े इन अध्यापक गण का सर्वश्रेष्ठ योगदान है, जिन्होंने यदि आप देखेंगे तो 1,000 जहाँ विश्वविद्यालय हों, 15-16 लाख स्कूल हों, जहाँ 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हों और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हों, उन 33 करोड़ छात्र छात्राओं को जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा हैं, कई देशों की कुल आबादी नहीं है, अमेरिका जैसे देश की भी कुल आबादी 33.5 करोड़ नहीं है, ऐसे उनको ऐसे समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हों और ये महामारी चारों ओर से चौतरफा हमले कर रही हो, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनस्थिति को संभाले रखना, उनको तत्काल ऑनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना, ये बहुत चुनौती भराई काम नहीं था बल्कि बहुत मुश्किलों का था। और उस मुश्किलात में भी आपने रास्ता निकाला, इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका मैं हृदय की गहराइयों से आपका मैं आभार भी प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक से मेरी शिक्षा मंत्री तक की यही यात्रा हुई, इसलिए मैं एक शिक्षक की सामर्थ्य को समझ सकता हूँ, उसकी पीड़ा को भी समझ सकता हूँ, मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि वो अपने परिवार से भी, अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने छात्रों को प्यार करता है, उसके मन मस्तिष्क में 24 घंटा या कि बहुत प्रतिभाशाली छात्र घूमता रहता है या बहुत कमजोर छात्र है तो वो भी घूमता रहता है, उसको कैसे ऊपर उठा करके लाऊं, जो प्रतिभाशाली है उसको और कैसे प्रखर बनाऊं। और जब ये छात्र प्रगति करते हैं तो हमको अध्यापक गण को जितनी खुशी होती है, शायद अपने बच्चा भी प्रगति करता होगा उतनी खुशी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ अध्यापक को इसीलिए कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा गुरु को तो हमने ईश्वर के समान माना है, ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, और उसी परंपरा उसी संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु के रूप में तक स्थापित किया। और उसी गुरु आ, आ, के उसी शिक्षा ने इस देश में तमाम ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने पूरे विश्व में नया नया उदाहरण प्रस्तुत किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, जीवन मूल्य हो, आध्यात्म हो, हर क्षेत्र में शिखर को चूमा है हमारे देश के लोगों ने, और निश्चित उसके पीछे गुरुओं की कृपा रही है। और तभी कहा जाता है कि गुरु गोविंद देउ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो किसी भी छात्र को इस बारे में कोई शंका नहीं होती कि यदि भगवान भी सामने खड़े हैं और गुरु
भी सामने खड़े हैं तो पहले वो किसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करे, तो गुरु की ही चरणों में वंदन करता है और उसकी भावना स्वतः स्फूर्त निकलती कि नहीं, यदि गुरु आप नहीं होते तो फिर भगवान तक जो आज मैं यहाँ पर हूँ, आज जो मैं समर्थशाली हुआ हूँ, वो सब गुरु की कृपा है। ये गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे और गुरु उस गौरव को संजो करके रख सके, वो ताकत हमें समाहित रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ मैंने, कि जैसे समय समय पर जब हम नई शिक्षा नीति को बना रहे थे तब भी आपके बीच आया, फिर इस बीच तो समय समय पर हम लोग मिलते रहे, जो जो कठिनाई आती रही उन कठिनाइयों का हम परामर्श करते रहे, चर्चा करते रहे, और उन चर्चा करने के साथ हम हमेशा ये कुछ नया समाधान निकालते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के में शिक्षा का व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हुई। और जैसे कि ये बहुत सारे देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया, परीक्षाओं को निरस्त कर दिया, और ये आप में ही ताकत थी कि जब आपसे परामर्श हुआ तो आपके बहुत अच्छे सुझाव आए और आपने कहा कि नहीं, आपने एक योद्धा की जैसी भूमिका आपने निभाई और हमने परीक्षाएं भी करवाई, छात्र का समय वर्ष बर्बाद नहीं जाने दिया, और आप चट्टान की तरह उसके पीछे खड़े रहे, अध्यापक और अभिभावक ने उस बच्चे को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है। पीछे के समय में छात्रों के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी और मेरे मन में ये विचार आया था कि मैं एक बार फिर आपसे परामर्श करूं कि ये जो परीक्षाएं हैं कब होनी चाहिए और आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसे करके होना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो ये नई शिक्षा नीति जो आपके ही द्वारा, ये जो आपके ही द्वारा तैयार की गई है, आपसे रेगुलर संपर्क और संवाद करने के बाद जो जो निचोड़ आया उस नई शिक्षा नीति का, वो आज पूरी दुनिया में उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू फैल रही है। मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश ने उसको उत्सव के रूप में मनाया है और नई शिक्षा नीति आने के बाद लोगों में बहुत बहुत उमंग और उत्साह है। लोगों को लगता है नहीं, अब देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा, पीढ़ी फिर इस तरीके से उभर करके आएगी जब मेरे देश फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जिसको हम हमेशा कहते हैं तत् देश प्रसूप्तस्य सकाशा दग्र जर्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरन् पृथ्व्यां सर्व मानवा, फिर वो सारी पृथ्वी के लोग हमारे गुरुओं के पास आ सकें, हमारे शिक्षकों से के पास आ सकें और यहाँ से वो अपनी शिक्षा लेकर के पूरी दुनिया में जा सकें। तो वैसे भी हमने पूरी दुनिया को अपना हमेशा परिवार माना है, सर्वे बंधु सुखिना की हमारी कल्पना रही है और विश्व बंधुत्व की हमारी भावना रही है, और इसलिए इस भावना से, इस लक्ष्य से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए दुनिया का हमेशा ये भारत फोकस रहा है, भारत पर दुनिया की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि नेशन फर्स्ट, हमेशा राष्ट्र पहला है, और कैरेक्टर मस्ट, ये जो दो चीजें यदि जुड़ जाएं, कैरेक्टर और नेशन, ये दोनों जुड़ जाएं, तो फिर दुनिया में बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास है, उसको हम दुनिया को बिखेर सकते हैं, हम दुनिया को सामर्थ्यशाली बना सकते हैं। हम तभी सामर्थ्यशाली बना सकते हैं जब हम स्वयं भी सामर्थ्यवान हों, और इसलिए विभिन्न तरीकों से समय समय पर कैसे करके हमारे जो शिक्षक गण है वो सामर्थ्यशाली बने रहें, उसके लिए समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण हमेशा करते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं, लीव प्रोग्राम करते रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों को करते रहे। और अब तो नई शिक्षा नीति में आपको जैसे कि मालूम है कि नई शिक्षा नीति में भी हम अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से हमने लिया है, और हमेशा ये भी कहा है कि
शिक्षक सबसे सामर्थ्यवान और सबसे ताकतवर शिक्षक ही होता है। और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ जब मैंने ये कहा था कि इस देश में आईएएस बनना तो सरल होगा लेकिन अध्यापक बनना कठिन होगा, क्योंकि अध्यापक की वो जो गरिमा है और जो उस परीक्षा से होकर के, क्योंकि उसने निकालना है, योद्धाओं को निकालना है, तो उसी प्रखरता का चाहिए अध्यापक, उसी में उतनी शालीनता प्रखरता हर चीज हो। तो सर्वांगण जब उस छात्र को पूरे मैदान में उतारने के लिए उसने अपने को झोंकना है तो उसके हर प्रकार की सामर्थ्यता तो चाहिए। नई शिक्षा नीति कभी उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा भी करती है, लेकिन मेरा ये जरूर अनुरोध है कि नीतियां तो बहुत अच्छी बन जाती हैं लेकिन उसको जमीन पर क्रियान्वित करना ये बहुत अब चुनौती भरा काम भी होता है और अवसरों का भी काम होता है। तो ये नीति बनना और उसके क्रियान्वयन, इसके बीच की जो कड़ी है वो आप हैं और असली योद्धा वही है जो उसको क्रियान्वयन के रूप में नीचे तक, आपके लीडरशिप में इस नई शिक्षा नीति ने नीचे तक जाना है, जिसके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल उत्सुकता से देख रही है और बहुत सारी नीतियां हमने लागू भी कर दी हैं। शायद जो नीति बनते बनते बहुत सारी नीतियां तो पता ही नहीं चलता लोगों को, वो नीतियां बन भी जाती हैं और पता ही नहीं चल पाता, लेकिन इस नीति को बनने से पहले भी लोगों को पता है और जब बनी तो भी पता है और अब क्रियान्वित हो रही तो भी पता है। और इसके निश्चित रूप में इसके आपके लीडरशिप में ये आगे बढ़ेगा। मैंने पीछे के समय में ये इच्छा प्रकट की थी कि आपके कोई सुझाव यदि हों तो उन सुझावों को एक बार हम लोग थोड़ा सा परामर्श कर लें, चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मेल आई है और बहुत सारे लोगों के कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप यदि सीधा बातचीत करना चाहेंगे तो अभी हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी कर लेंगे और यदि इसमें ऐसा लगेगा कि नहीं अभी कुछ रोक करके इन चीजों पर और परामर्श करने की जरूरत है तो हम लगातार संवाद करते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ देर हम लोग आपस में चर्चा भी कर लें, कुछ आपके मन की जो बातें हैं सीधे प्रत्यक्ष उन पर भी बात कर लें और फिर आपके सुझाव आते रहेंगे और हम आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन अभी अभी आप, मैं चाहूंगा कि आप बताइए क्या है आपके मन में, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। जी मेरठ से अरविंद जी, उत्तर प्रदेश। सर मैं आपसे आप 9वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा यह भी सुझाव है कि स्कूलों को पेशेवर संस्थानों, उद्योगों आदि से जोड़ा जाना चाहिए। अरविंद बहुत अरविंद जी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ आपका, और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो, क्योंकि नहीं तो हमारी शिक्षा कुछ ऐसी हो गई कि वो पढ़ रहा है और उसकी शिक्षा उसके जीवन में कहीं उपयोगी नहीं आ रही है। तो इसलिए ये जो व्यावसायिक शिक्षा की आपने बात की है, आपने कहा कि 9वीं कक्षा से इसको शुरू करना चाहिए, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वर्तमान में लगभग 8,583 CBSE स्कूलों में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। और आपको तो मालूम है कि जो नई शिक्षा नीति में हम लाए हैं वो कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, ये इंटर्नशिप के साथ, जो आपने कहा ना कि उद्योगों के साथ और उसके साथ जुड़ना चाहिए ये व्यावसायिक शिक्षा, बिल्कुल सही सुझाव है आपका। और आपके सुझावों को ही देखते हुए आप जैसे सभी आदरणीय अध्यापक गण के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों को देखते हुए हमने जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, हम उसमें कक्षा 6 से ही वोकेशनल ये ट्रेनिंग लाए हैं, पाठ्यक्रम लाए हैं और वो भी इंटर्नशिप के साथ लाए हैं। केवल अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान नहीं और केवल उसको पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल कैसे कर सकता है तो उसके स्थानीय आधार पर क्या क्या हो सकता है, इसको हमने बहुत व्यापक विचार विमर्श भी किया। और हमारी इच्छा ये है कि 2,80,000 से भी अधिक जो ये माध्यमिक स्कूल है
इन सभी स्कूलों में कक्षा 6 से ये वोकेशनल शुरू हो जाए और उच्च शिक्षा में तो हम चाहते ही चाहते हैं। और ये वोकेशनल जब इंटर्नशिप की बात आई तो जो उसके आसपास जितने उससे संबंधित उद्योग क्षेत्र हैं, ये कृषि के क्षेत्र हैं, यही नहीं तो हम लोगों ने कहा है कि वो जो केवल उद्योग ही नहीं है वोकेशनल, ये जो व्यावसायिक है वो कई प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा है, जैसे लोक विद्या है, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, अब इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, प्राचीन भारत का जो ज्ञान और आधुनिक भारत में इसका योगदान, जो प्राचीन भारत का ज्ञान है वो बहुत विशद ज्ञान है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन उस ज्ञान का वर्तमान में उस का उपयोग क्या हो सकता है, तो प्राचीन भारत का ज्ञान और वर्तमान में उसका योगदान, ये दोनों को जोड़ा हमने, और इसीलिए ये वर्तमान में कैसे करके वो वोकेशनल जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है वो कैसे समर्थ हो सकती है, ताकि स्कूल से जब बच्चा जाए तो बिल्कुल इस ताकत के साथ बच्चा जाए कि हाँ वो कहीं किसी पर भार ना बने और वो पूरी ताकत के साथ जो है जहाँ भी जाए वो अपना स्थान बना सके, ये हमारी कोशिश है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया और हम ऐसे ही करेंगे। आपको ये भी मैं बताते हुए मुझे खुशी होती है कि या शायद दुनिया का हम पहला देश होंगे जिसमें हम स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, दुनिया का पहला है, पहला देश होगा भारत, यह हमारी नई शिक्षा नीति की खूबसूरती भी है। हमारा बच्चा जब स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश करेगा, जो अभी IITs में जा करके उसको प्राप्त होता है, तो निश्चित वो बहुत ही सामर्थ्यवान बनेगा। और हम इसको जो आपकी चिंता है और आपकी तेरे हजारों हजारों लाखों लाखों अध्यापक गण की और अभिभावक गण की चिंता है वो बिल्कुल जायज है, हम इसका रास्ता निकालेंगे। जी जी राधिका जी जालंधर से, पंजाब से राधिका जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षकों को सैद्धांतिक पहलू से परे स्कूलों में योग्यता आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन के विषय में बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो राधिका जी बहुत धन्यवाद आपका, और आपने भी बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ा है जिसकी बहुत जरूरत है, और आपने कहा कि केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक पक्ष कैसे स्कूल में योग्यता के आधार पर उसको क्रियान्वयन में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और बिल्कुल सही है कि अध्यापक को वो केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी इसका होना चाहिए। और आपको याद होगा कि पीछे के समय में हमने इस कोरोना काल में भी निष्ठा जो अध्यापक प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है निष्ठा, उसको हमने शुरू किया और उसको शुरू कर किया बहुत तेजी से शुरू किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम ऑनलाइन शिक्षा को इतना बड़ा तंत्र रात रात में आप सोच नहीं सकता, शायद ये भी दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर ले आना। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो विशेष क्षमता का कैसे निर्माण हो सकता है अध्यापक का, और जो निष्ठा है उस निष्ठा में ये ऑनलाइन क्षमता को ऑनलाइन के माध्यम से क्षमता कैसे बढ़ सकती है। हम लोग अभी तो क्योंकि प्रस्तुतियां हैं तो ऑनलाइन में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से सिद्धांत और व्यवहार दोनों यदि मिलते नहीं है, जुड़ते नहीं है, तो बेकार हो जाती है बातें, और इसलिए उस सिद्धांत को, वो सिद्धांत वैसे भी सामान्यता है कि यदि कोई सिद्धांत जो जमीन पर न उतर सके वो सिद्धांत बेकार हो जाता है, वो समय भी बर्बाद करता है, मन को भी खराब करता है और निर्माण से भी आउट हो जाता है। तो इसलिए जो सिद्धांत है वो व्यवहार के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, हमारी कोशिश है कि हम उसी बात को बोलें, उसी बात को करें जो व्यावहारिक जीवन में नीचे उतार सकने का सामर्थ्य जिसमें हो सके और बच्चा उसको प्राप्त कर सके, छात्र उसको तत्काल प्राप्त कर सके। इसलिए
जहाँ सुविधाएं हों वहाँ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए भी शिक्षकों की क्षमता का हम लोग विकास कर रहे हैं। और सीबीएसई ने, मुझे खुशी है कि सीबीएसई ने 4,80,000 शिक्षकों को अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान ऐसे ही प्रशिक्षित किया, और केबीएस ने 15,855 ऐसे अपने अध्यापकों को किया, और जेएनवी ने 9,085 शिक्षकों को पूरे भारतवर्ष में प्रशिक्षित किया, और एनबीएस द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन मूल्यांकन का भी प्रशिक्षण दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संस्थानों के द्वारा और एनसीईआरटी के माध्यम से हमने ये प्रशिक्षण सुनिश्चित किया भिन्न भिन्न उसमें, तो निश्चित रूप में ये जो आपने कहा कि केवल सैद्धांतिक पहलू से परे बल्कि सैद्धांतिक पहलुओं के साथ जोड़ करके उस सिद्धांत को व्यवहार के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है, इसके लिए राधिका जी हमने कोशिश की है। और भी आपका कोई सुझाव हो, आप निष्ठा में भी आप थोड़ा सा कुछ सुझाव दीजिए, आपको लगता हो कि इन परिस्थितियों में और ये हो सकता है, तो आपके सुझावों का मैं सम्मान करूंगा, और मुझे खुशी होगी कि आप और भी सुझाव देंगी। धन्यवाद राधिका जी। आप पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से मृदुला जी, पुस्तक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन के प्रसंगों से जोड़कर रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? धन्यवाद मृदुला जी, आप पश्चिम बंगाल कोलकाता से बोल रही हैं, और आपने कहा है कि जो पुस्तक का ज्ञान है व्यावहारिक जीवन के प्रसंगों से जोड़ करके कैसे रोचक बनाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि वो पुस्तक का जो ज्ञान जो हम दे रहे हैं, यदि उसको रोचक नहीं बना पाए हम, तो छात्र के अंदर तक हम प्रवेश नहीं कर सकते। और मैं समझ सकता हूँ कि छात्र के अंदर प्रवेश करने के लिए उसी की भाषा में, उन्हीं परिस्थितियों में वो क्या समझ सकता है, उसके अंदर प्रवेश करना ही होगा, तो वो विभिन्न प्रसंगों को जोड़ करके उसकी जल्दी समझ में आता है। और जो वर्तमान की जो शिक्षा है वो उस पर जोर देती है। अभी तक हमारी शिक्षा केवल यही थी जो आप कह रहे हैं कि उसको जो पुस्तक ज्ञान है, केवल पुस्तक ज्ञान तो हो जाता था लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं हो जाता था। उसके लिए जब मैदान में जाता था तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं आ पाता था जो पुस्तक का ज्ञान है, क्योंकि व्यावहारिक दृश्य वो जीरो रहता था, शून्य रहता था। मुझे इस बात की खुशी है कि एनसीईआरटी के माध्यम से जो जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका जो अब पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, एनसीएफ जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जो पुस्तकें आएंगे वो इसका हिस्सा होंगी, कि वो व्यावहारिक दृष्टि से तमाम प्रसंगों को जोड़ करके वो किस तरीके से एक ही चीज को कई एंगल से कैसे करके विभिन्न घटनाक्रमों से, कहानियों से, घटनाओं से कैसे करके उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है, उसी विषय को लेकर के इस पे पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, कि वो केवल पढ़े नहीं बल्कि वो क्या था उसके भी आगे जाए, जो घटना घट रही जो है वो उसके आगे क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, वो एक कदम आगे जाकर के उसके मन में विचार आए, वो अपने को सामर्थ्य को बाहर निकाल सके, तो इसलिए ये कोशिश है। और विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा के लिए एक प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू की है, और एक कमेटी का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो एक रिपोर्ट तो दिसंबर अभी 2020 में एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी, लेकिन जो हम समग्र शिक्षा और एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं, टोटली समग्र शिक्षा, वो जो रचनात्मक सोच हो, जीवन कौशल हो, भारतीय लोकाचार हो, कला और एकीकरण का उसमें मिश्रण हो, तो ऐसे पुस्तकों के निर्माण पर हम लोग ध्यान देंगे जिसमें रचनात्मक सोच हो, जीवन कौशल हो, भारतीय लोकाचार हो, कला और एकीकृत से युक्त हो, तो विभिन्न विधाओं से युक्त ये पाठ्यक्रम होगा। और मुझे आशा है कि जब ये
नई शिक्षा नीति का नया पाठ्यक्रम आएगा तो आपको खुशी होगी। और अभी और कुछ किस तरीके से होना चाहिए, यदि ऐसे भी आपके मन में कुछ चीजें होंगी तो वो भी जरूर आप मुझे देंगे, मेरे मंत्रालय को देंगे, अपना सुझाव भेजेंगे, तो हम आपके सुझावों को निश्चित रूप में गौर भी करेंगे और आभार भी प्रकट करेंगे। धन्यवाद मृदुला जी, आपके प्रदेश को और आपको। जी, मध्य प्रदेश से अशोक जी। अशोक जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक हूँ। सर, मेरा मानना है कि विषय विज्ञान के अतिरिक्त छात्रों को नैतिक मूल्यों और नैतिकता के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए। क्या मंत्रालय इस दिशा में कदम उठाने की योजना बना रहा है? धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने बहुत अच्छी बातें उठाई। और मैं यहाँ से बात करूंगा, जब मैं पीछे के समय यूनेस्को में गया था तो यूनेस्को के डीजी ने कहा कि डॉक्टर निशंक, ये जो छात्रों में अनुशासनहीनता हो रही है, वैमनुष्यता फैल रही है, हिंसक प्रवृत्ति हो रही है, तमाम तमाम बातें उन्होंने कहकर के कहा कि आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैंने हंसते हुए उनको कहा कि एक ही निचोड़ है, और बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन एक ही निचोड़ है कि हमने मनुष्य को मशीन बना दिया, हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया, हमने अपने छात्र को केवल डिग्रीधारी बनाया बना रहे हैं, और उसको जीवन मूल्यों से हमने दूर कर दिया, और केवल पैकेज की होड़ लगी है, पेटेंट की होड़ नहीं, जो उसका अपना कलेवर चाहिए, जो जीवन मूल्य चाहिए, जिसके आधार पर वो खड़ा होता है, विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, वो जीवन मूल्य बहुत जरूरी है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जरूर मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ आप लिखते हैं, और आप जरूर इस पर कुछ लिखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अभी जीवन मूल्यों पर भी कुछ लिखा, लेकिन ये बात अशोक जी जो आपने कही बिल्कुल सही है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आखिर जो आचार विचार संस्कार न हो तो बेकार है। ये जो मनुष्य है, यदि वो तो मशीन भी चलती है रिमोट से, तो ये रिमोट नहीं है, ये मनुष्य की संवेदना, यदि संवेदना जिंदी नहीं है, यदि जीवन के मूल्य नहीं है, तो आदमी तो कटी हुई पतंग की तरह है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो प्राण नहीं है। तो जिस तरीके से कटी हुई पतंग आसमान में तो उड़ रही है बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किस गर्त में गिरेगी, क्योंकि वो जमीन से कट गई है, संस्कारों से कट गई, जीवन मूल्यों से कटी हुई है, और इसलिए केवल उन ऊंचाइयों को, मात्र जमीन को छोड़ करके, संस्कारों को छोड़ करके, जीवन मूल्यों को छोड़ करके आसमान में उड़ने की चाह हमारी कभी नहीं रहेगी। इसलिए ये जो शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित रही, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्वीम सर्वमानव। अशोक जी, आप तो जानते हैं कि हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए, दुनिया को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा क्षेत्र था जिसमें हम आगे नहीं थे? लीडरशिप लिया मैंने हमेशा हमने, और इसलिए ये जो आपने कहा है कि ये नैतिक मूल्यों पर करना चाहिए, निश्चित रूप में हम पूरी नई शिक्षा नीति इस आधार पर लाएं, हम बच्चों को बता पाएं, हम लोगों को बता पाएं। देश के प्रधानमंत्री जी कई बार कहा कि देश में एक अच्छा नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में वो अच्छा, जो छात्र अच्छा नागरिक होने के साथ साथ उसको विश्व मानव भी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए हम दुनिया में विश्व गुरु के नाम से हैं। हमने अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार माना है, और हम वो देश हैं जो माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहता है, ये पूरी पृथ्वी मेरी माँ है, हम इसके पुत्र पुत्रियां हैं। तो धरती पर जो भी व्यक्ति ही नहीं, जो भी प्राणी जन्म लेता वो हमारा अपना अंग होता है, इसीलिए तो हम पेड़ पौधों को पूजते थे, पशु पक्षियों को पूजते थे, पशुओं को किस तरीके से आदर देते थे, सम्मान देते थे,
हमको हमने हमेशा जीवन माना, हमने तो वृक्षों के साथ कैसे संवाद किया है, आज लोगों के समझ में आ रहा है। जब मौसम परिवर्तन की चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि भारत का विचार क्या है। और इसलिए निश्चित रूप में वो जो हमारी नैतिक जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। धरती पर जब तक एक इंसान एक प्राणी भी दुखी होगा, तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये है जीवन मूल्य। ये जिस दिन उसके मन के अंदर आएगा, वही आदमी दूसरे की मदद कर सकेगा जो सामर्थ्यवान होगा। वो पहले अपने को समर्थ बनाएगा और उसके बाद उन संवेदनाओं को जिंदा रखेगा और दूसरे को कष्ट में नहीं आने देगा। और इसीलिए तो आपने देखा, हम लोग जब भी कभी साथ भोजन करते, तो पहले हमारे प्राचीन भारत में क्या होता था, ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सेवीर्यम करवावे तेजस्वी नवोदितमस्तु मा अविद्विषावै। हम साथ 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 भोजन करते थे, हम साथ साथ चलें, साथ साथ पुरुषार्थ करें, साथ साथ सोचें, हर चीज को साथ मिल करके करें, ये था हमारा पुरुषार्थ। तो वैमनस्यता कहाँ से आएगी, जब हर चीज को साथ मिल करके खाएं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, नहीं उतना ही उपयोग करो जितने आपको जरूरत है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, इन नैतिक मूल्यों पर दुनिया का मनुष्य खड़ा हो जाएगा, उस दिन दुनिया की आधी से अधिक समस्याएं तो वैसे समाधित हो जाएंगी। और इसलिए बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी आपको कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है जो जीवन मूल्य है। और जीवन मूल्य रहेंगे तो परिवार भी रहेगा, परिवार रहेगा तो समाज भी रहेगा, समाज रहेगा तो देश रहेगा और दुनिया रहेगी। और इसलिए ये जीवन मूल्य बहुत जरूरी है। मैं जरूर चाहूंगा कि आपके कोई ऐसे सुझाव हो कि हम किन किन कक्षाओं में किस किस तरीके से इन जीवन मूल्यों की बातों को किस किस ढंग से रख सकते हैं, क्योंकि अभी जब पाठ्यक्रम तैयार होंगे और इन चीजों को समाहित किया जाएगा, तब आप लोगों की मदद की अभी जरूरत है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अशोक जी, और आप जैसे सभी अध्यापक गण जो इस विचार के हैं और जिनके मन में, सभी के मन में होगी छटपटा। आप, मैंने देखा कि आप जैसे ये जो प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के मन में ये उद्गार हैं, अभिभावकों के मन में भी उद्गार हैं, आदरणीय अध्यापक गण के मन में भी उद्गार हैं, लेकिन इसको हम निश्चित रूप में पूरा करेंगे। धन्यवाद अशोक जी, मध्य प्रदेश से जी, गुजरात से विराट जी। वैश्विक महामारी कोरोना के भयावह वातावरण में मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग, खेल और ध्यान के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करना अपरिहार्य है, कृपया हमारी सहायता करें, हम छात्रों को इस दृष्टि से किस प्रकार मदद कर सकते हैं। धन्यवाद विराट जी। विराट जी, आपने जो ये बात सही है कि अचानक किसी को पता नहीं रहा होगा, न दुनिया को पता था, न देश को पता था, न अभिभावक को पता था, न छात्र को पता था, ना आपको पता था कि अचानक ऐसा संकट आ जाएगा दुनिया में कि देखते देखते सब लोग जो है पूरी दुनिया ठहर जाए और लोग घरों में कैद हो जाए, जो छात्र है उसके अंदर ऊर्जा है, अब वो 2 घंटा नहीं रह सकता तो 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। अब 2 दिन तो किसी तरीके से आप रोक लेंगे उसको, लेकिन 2 सप्ताह उसके लिए दुरू है। और जहां महीनों की बात हो जाए, आप सोच नहीं सकते कितने अवसाद में बच्चा चला जाता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा किया है, उसको बचाया है, अवसाद में जाने से बचाया है, अभिभावक भी कैसे परिस्थिति में आ जाता। और आप भी यदि, क्योंकि आप सुबह से शाम तक 24 घंटा चिंतन और मंथन करते हैं, यदि आपको भी ये कुछ नहीं, आपको लगता कि छात्र से भी आपका संवाद टूट गया, तो मुझे लगता है आप की भी स्थिति कैसी परिस्थितियों में आते। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से, आप लोगों ने, मेरे अध्यापक गण ने जिस तरीके से किया, हमको भी संवाद करके कहा कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, और आपसे संवाद के बाद हम नए नए चीजों को लाते गए, कभी फिट इंडिया मूवमेंट करते रहे, कभी योग के लिए करते रहे, भिन्न भिन्न तरीके से हम छात्रों को सक्रिय करते रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उसकी जागरूकता की जरूरत है, और हमने लगातार किया। आपको मालूम होगा कि हमने इस बीच कभी कुछ छात्र को बिल्कुल जागरूक रखा, कभी माई माई बुक माई फ्रेंड का अभियान चला दिया,
कभी कहा कि वो सकारात्मक, वो कुछ कहानियों को लिखेगा, ये करेगा ये करेगा, वो किया उसने बहुत अच्छा किया। उधर उच्च शिक्षा में हमारे IITs ने ऐसे ऐसे अनुसंधान किए हैं जो इस देश में पहले जो चीजें नहीं थी वो चीज भी इसी कोरोना काल में इन चुनौती भरे क्षणों में अवसरों में तब्दील किया हमने इन चुनौतियों को। और छात्र को भी आपने देखा, जब पीछे के समय में हम बात कर रहे थे तो आपके ही सुझावों से फिर विमर्श हुआ और उसके बाद मनोदर्पण निकला। मनोदर्पण एक इस तरीके का निकला जिसने छात्रों की मनस्थिति को बचाया, अध्यापकों की मनस्थिति को बचाया, अभिभावकों की मनस्थिति को बचाया। 500 से भी अधिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों ने अपना पूरा 24 घंटे अपना समय दिया। आज भी 300 से अधिक चिकित्सक 24 घंटे आप ऑनलाइन पर कभी भी परामर्श करते हैं। और जो मनोदर्पण की जो वेबसाइट है उसमें कई चीजें, कई सुझाव दिए हैं जिसको आप देख करके बातचीत कर सकते हैं। और छात्र अभिभावक देख रहा है और मेरे पास जो सूचनाएं आती हैं मुझे इस बात का संतोष होता है कि आज मनोदर्पण हमारा बहुत ही सफलतम ऐसा प्रयोग रहा है जिसने हजारों नहीं लाखों लाखों छात्रों की मनस्थिति को बचाया है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अभिभावकों की मनस्थिति को भी बचाने में अपनी सफलता अर्जित की है। तो जो आपका सुझाव है कि इनकी जागरूकता है, योग है, खेल है, योग के बारे में प्रधानमंत्री जी आपने, आपको तो मालूम है कि पहले योग के बारे में लोगों को लगता था क्या है ये योग, लेकिन जब दुनिया के उस बड़े मंच पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के बारे में विश्व की इस मानवता को बचाने के लिए, दो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, ये विचार आया कि क्या ये योग उसके लिए उपयोगी हो सकता है। तो जब उन्होंने ऐसा सुझाव दिया तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई और आज 199 देश पूरी दुनिया में योग के पीछे आकर के खड़े हो गए। हम इस छात्र को भी, छात्र छात्रा को लगातार योग करने के लिए लगातार कह रहे हैं। विभिन्न प्रकार के योग हैं जो उसके लिए न तो मैदान की जरूरत होगी, कई बार वो अपने अपने स्थान पर भी तमाम प्रकार के अपने स्वास्थ्य रक्षणम की स्थिति को पैदा कर सकता है और वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो केवल छात्र ने अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की, उसने अपने अभिभावकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करने के लीडरशिप अपने हाथ में ली बहुत चिंता करके। तो मुझे खुशी है कि आज मानसिक तंदुरुस्ती के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के माध्यम से हम लोग मनोदर्पण जैसी चीजें अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इसका लाभ, मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक लाभ इसका छात्रों को भी मिल रहा है, अध्यापकों को भी मिल रहा है, अभिभावकों को मिल रहा है। और हम लगातार इस दिशा में खेल, योग और ध्यान की दिशा में लगातार चर्चा भी करते रहते हैं और जागरूकता भी करते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा क्योंकि आप आपकी बातों को वो छात्र अधिक अच्छे तरीके से जानता है, मानता है। तो आपसे भी, आप सब अध्यापकगण से मेरा निवेदन होगा कि जब भी आपका संवाद हो छात्रों से इन बातों को आप जरूर दोहराते रहेंगे, पूछें भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए उसको भी यदि आप बता सकेंगे तो अच्छा है। कुछ चीजें हमने भेजी हैं, यदि जरूरत पड़ेगी तो इनको भी हम उसको बांट सकते हैं, उस तक भेज सकते हैं। धन्यवाद विराट जी, धन्यवाद। झारखंड से रेणु जी, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए गजेट और पर्याप्त नेटवर्क की कमी के कारण कई छात्र अभी डिजिटल विभाजन को दूर नहीं कर पा रहे हैं, हमें इन छात्रों को कैसे शिक्षित करना चाहिए? रेणु जी बिल्कुल सही है आपका चिंता, और रेणु जी जो आपकी चिंता है वही हमारी भी चिंता है, मेरे मंत्रालय की भी चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है कि आखिर ये का एक। लेकिन आपको खुशी होगी कि कोई दुनिया का ऐसा देश जो इतनी बड़ी संख्या को रात रात में ऑनलाइन पर लिया है, भारत ने किया, आप लोगों ने किया, और इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे मालूम है जब मैं पूरे देश के सभी राज्यों की समीक्षा करता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अध्यापक अपनी मोटरसाइकिल में करके गांव के उस पे जाकर लाउड स्पीकर से
जो है शिक्षा दे रहे हैं, कहीं छत में खड़े होकर के इन कोविड की, ताकि इकट्ठा भी ना हो भीड़ और दूर दूर जाकर के, कैसे कैसे अध्यापक गण ने किया। दुनिया जब हमारे अध्यापक गण के इन सारी चीजों को सुनेगी तो उसको भी महसूस होगा कि हिंदुस्तान का अध्यापक किस तरीके का अध्यापक है। और इसलिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आपका। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि वो अभी अंतिम छोर का जो बच्चा है, जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उसको किस तरीके से हम लोग जोड़ सकें। तेजी से हम लोगों ने कोशिश की है। आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, और हम लोगों ने पीएम ई विद्या के तहत जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ऐसी विषम परिस्थितियों में दिया था, भिन्न भिन्न विभागों को, उसमें इन छात्रों के लिए पीएम ई विद्या का ये अभियान भी किया कि किस तरीके से वो अंतिम छोर तक हम उसको ले पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि वन वन क्लास वन चैनल, कि एक क्लास को एक चैनल देंगे, स्वयं स्वयं प्रभा दीक्षा और पाठशाला, ई पाठशाला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर नेट नहीं है और वहां पर जो टीवी है, दूरदर्शन है, उसके माध्यम से कैसे करके उस बच्चे तो रेडियो के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से कैसे जा सकते हैं। इस पे स्वयं प्रभा के 32 चैनल है हमारे, जो टाटा स्काई पर है, और विभिन्न दो तीन अलग अलग प्रकार के चैनलों पर आता है। मुझे लगता है कि हम लोग काफी कुछ इस बीच कवर किया है और बहुत तेजी से हम लोग उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन आपकी जो चिंता है बिल्कुल जायज है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टेलीविजन के माध्यम से और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उस बच्चे तक कैसे करके पहुंचा जा सकता है, ये पूरी कोशिश है हमारी। और इसलिए हम लोग वन क्लास वन चैनल को बहुत तेजी से कर रहे हैं। 32 चैनल हैं और अभी काम उस पर शुरू हो गया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 800 रेडियो कार्यक्रमों को अभी हम लोगों ने लगभग ऑल इंडिया रेडियो के साथ जो है साझा किया है, और सामुदायिक रेडियो केंद्रों को भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग विकसित करवा रहे हैं। और जो गांव सभाएं हैं वो भी जागरूक हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। मिल करके बहुत अच्छी तरीके से ये जो शिक्षा का क्रम है वो हम लोगों ने टूटने नहीं दिया है इन विषम परिस्थितियों में भी। तो रेणु जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और मैं समझ सकता हूँ आप झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में अब होंगे, जहाँ आप झारखंड भी बहुत प्रदेश, बहुत सारे प्रदेश हैं जिनके दूरस्थ क्षेत्रों में अभी तक वो सुविधा नहीं है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से ये सुविधा देने का जो मिशन है वो जुटाए हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि वक्त लगता है इनमें, और मुझे भरोसा है कि हम जल्दी इस समस्या का भी निदान निकालेंगे, हल निकालेंगे। लेकिन जब तक निदान नहीं निकलता, तब तक रेडियो और टीवी के माध्यम से और भिन्न भिन्न माध्यमों से हम लोग उस बच्चे तक पहुंच रहे हैं। जी रानी जी, राजस्थान, राजस्थान से रानी जी, आप कह रही हैं कि सर विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के आपका मार्गदर्शन का। ऑनलाइन जो मैंने रानी जी आपको कहा अभी जो प्रश्न था, तो अभी जो रेणु जी ने लगभग लगभग वही प्रश्न है कि जो ये ऑनलाइन है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी लगातार आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को दे रही है, और निष्ठा के माध्यम से जहाँ शिक्षकों के उसमें जा रहा है, वह दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। मुझे इस बात की खुशी है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विभिन्न राज्यों ने अपने सारे पाठ्यक्रमों को ढाला है, और राज्यों के मुख्यमंत्री गण से और शिक्षा मंत्री गण से जब मेरी बातचीत होती है तो राज्य भी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं करता। मुझे बहुत खुशी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों का, शिक्षा मंत्रियों का,
बहुत रुचि लेकर के उन्होंने इस बीच जो रात दिन खप करके काम कर रहे हैं ताकि उनके नौनिहालों का भविष्य सुधर सके, अच्छा हो सके, और ये जो कोरोना का काल है वो हमको रोके ना, हमारी प्रगति से हमको रोके ना, तो उसके भविष्य को संवारने के लिए सभी राज्य भी काम कर रहे हैं और हम लगातार संवाद में हैं। हम कोशिश करेंगे रानी जी की जो कक्षाओं का संचालन में कोई बाधा आ रही है उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकता है। और जो पाठ्यक्रम का आपको याद होगा कि हमने विद्यादान 1 और विद्यादान 2 हमने देश के सब लोगों से कहा कि जो पाठ्यक्रम है और विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं में, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हम लोग जो वैसे भी नई शिक्षा नीति जो आई है वो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में करने का आग्रह है। जो कोई प्रदेश उच्च शिक्षा तक भी ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। तो उन राज्यों ने अपने अपनी राज्य की भाषाओं में बहुत सारे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है, मुझे भरोसा है कि जो आपकी चिंता है रानी जी वो चिंता बहुत जल्दी दूर होगी और हम ऑनलाइन पढ़ाने की अभी प्रज्ञाता जो हमने जारी किया वो दिशा निर्देश इसमें साइबर सुरक्षा से लेकर के गोपनीयता को बरकरार रखने तक के लिए भी है। तो प्रज्ञाता में यदि आप देखेंगे तो व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन जो शिक्षा को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो दीक्षा है एक राष्ट्र एक डिजिटल शिक्षा योजना 35 राज्यों में ये लगातार बढ़ गया है, पहुंच गया है और तेजी से बढ़ रहा है। और ये सभी भारतीय भाषाओं में जो जो हमारी दीक्षा है वो लगभग लगभग सभी भारतीय भाषाओं में वो पाठ्यक्रम वहाँ उपलब्ध करा रहा है। तो धन्यवाद रानी जी, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि और तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाएं। जी हरियाणा से विजेंद्र जी, सर क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल और सिलेबस में कोई बदलाव होगा क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए? तो विजेंद्र जी जो आप कह रहे हैं कि आपका अभिप्राय शायद है कि उच्च जेई है, नीट है, जेई मेन और जेई एडवांस सहित बहुत सारी जो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उच्चतर शिक्षा में, उच्च शिक्षा में वो कैसे करके उसमें क्या कोई बदलाव आएगा? बदलाव हम लाए हैं, आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि इसके सिलेबस में तो बहुत आपको मालूम है कि ये प्रश्न पत्र जो क्योंकि कुछ ने 30% अपना कम किया तो किसी बोर्ड ने नहीं किया, तो लोगों के मन में ये तमाम प्रकार के प्रश्न आने स्वाभाविक थे कि यदि जेई मेन में जो प्रश्न पत्र आएंगे तो जो पूरा पढ़ेगा तो उसको तो पूरे प्रश्न करने को मिलेगा, जो 30% कम होगा तो उसको क्या होगा। तो इसमें रास्ता निकाला गया कि कुल 90 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 75 का ही जवाब देना होगा। तो वो 75 में वो पूरा जो पाठ्यक्रम वाला वो भी कवर करेगा और उन 75 के अंदर ये जो 30% इसका जो कम हुआ है वो भी समाहित होगा। तो मुझे लगता है जरूर इतना होगा कि जिसको ये 30% जिसको कम हुआ है उसको जर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि विकल्प कम ही रहेंगे उसके पास, और जो पूरे पाठ्यक्रम होगा थोड़ा सा उसके पास विकल्प ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा कवर होगा, वो पूरा कवर होगा। यदि 30% वाला भी है तो बहुत अच्छे से कवर होगा। और पीछे के समय हमने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया। और फिर आपको तो मालूम है कि अभी जेई पहले मेन परीक्षा जेई की वर्ष में 2 बार ही होती थी और अब हमने 2 से 4 बार कर दिया। ये है बदलाव, बड़ा बदलाव है। 4 बार आपको अवसर मिलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। तो 4 बार जब आपको अवसर मिलेगा उस परीक्षा को देने का,
तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप में आपकी सुविधा के अनुसार जब जब भी आप बैठना चाहेंगे तब आप बैठ सकते हैं, और जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसका मानक ही उसमें रखा जाएगा। इसलिए जो प्रवेश परीक्षाओं में भी छात्रों के लिए इससे बड़ा अच्छा मैदान क्या हो सकता है। मेरी शुभकामना छात्रों को कि उनको बहुत अच्छा बेहतर अवसर मिल रहा है। जी किरण जी, नई दिल्ली से किरण जी बोल रहे हैं। सर, बोर्ड परीक्षा का स्थगन संभव है। छात्र चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने की देरी हो ताकि अपनी परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें, साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा करें। छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों को लेकर गंभीर हैं। किरण जी, ये बात सही है, और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए? लेकिन आप नहीं चाहते हैं शायद कि कैंसिल हो। आपने ये कहा कि 3 महीने की देरी हो सकती है क्या? तो जो आपने कहा कि क्या 3 महीने की देरी हो सकती है, 2-3 महीने की देरी हो सकती है, और जो प्रैक्टिकल परीक्षा की जो बेहतर तैयारी करने की बात की है आपने, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो हमारी गवर्नमेंट मोदी जी की जो सरकार है वो छात्रों के हित में, छात्रों के पीछे है, बिल्कुल चट्टान की तरह है। उसको समय समय पर आपके माध्यम से, आपसे भी लगातार परामर्श कर रहे हैं हम लोग, और वो जो जो कठिनाई भी होती हैं पीछे के समय, कुछ लोगों ने कहा नहीं परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, फाइनल परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों का विचार था, लेकिन अधिकांश लोगों का था कि जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा में भी फाइनल परीक्षाओं की बात की थी कि नहीं, हम छात्र के साथ आहित नहीं कर सकते हैं। ये कोविड डिग्री धारी का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं उसके जीवन पर। ये कोविड तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत वो बोर्ड लगा दिखेगा कि नहीं, ये कोविड वाले निवेदन आवेदन न करें अपने इंटरव्यूज के लिए कि उनको ये बिना परीक्षा के पास होकर के आई है, ये नहीं कर सकते थे हम। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, परिस्थितियां हैं उसमें रास्ता निकालेंगे। और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई, पूरी दुनिया में, किरण आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और बहुत अच्छी तरीके से निकली। सारे छात्र खुश थे, अभिभावक खुश थे, और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुनाव हुए तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर, जिस तरीके से जेईई और नीट की पर जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं मानकों को के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। और बिहार का इतना बड़ा चुनाव हुआ उन्हीं मानकों के आधार पर, तो बहुत सफलता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर था कि हमने उस समय पीछे किए और परिस्थितिवश किए। और अभी भी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसकी आप प्रैक्टिकल इत्यादि होती हैं, और संभवतः 15 फरवरी से और मार्च मध्य तक आपकी परीक्षाएं होती थी। तो जो बोर्ड की परीक्षा है, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में, तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो ये परीक्षा अभी संभव नहीं हो पाएगी। ये तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है, लेकिन फरवरी के बाद कब हम परीक्षाओं को कराएंगे इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने की हमको जरूरत पड़ेगी। और फिर हम, यदि आपका कोई फिरन हो, आपका और अन्य अध्यापकगण का यदि कोई विशेष सुझाव हो, विचार हो, तो जरूर करें। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि जो जनवरी में परीक्षाएं होती थी, जनवरी फरवरी फरवरी तक फिलहाल ये विचार किया है कि इसको हम लोग अभी स्थगित रखें, और आगे
कब हम करेंगे इस पर एक बार फिर विचार करके आपको हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद किरण जी। रमेश जी राजगढ़ मध्य प्रदेश जी, जी हमारे नाम राशि जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं केबी राजगढ़ का शिक्षक हूँ और वर्तमान महामारी के प्रकाश में मैं पूछना चाहता था कि ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं ले सकते, जबकि हमें वैसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं करवा रहे हैं जिनके पास ना तो उचित उपकरण है और न ही इंटरनेट की पहुंच है। यदि नहीं तो क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण करने की शर्त एक प्रशंसनीय समाधान हो सकता है? रमेश जी आपने चिंता तो बिल्कुल जायज की है कि वही बात आ गई कि जब हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन परीक्षा कैसे नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप बताइए ना, जब अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि अभी स्थिति यह है कि जो दूरस्थ अंतिम छोर में कुछ प्रतिशत ऐसा रह गया अभी हमारा जो इन सब चीज से अछूता है, अब गांव के एक जगह माइक लगा करके ग्राम पंचायत में और दूर दूर बच्चे हैं और फिर वो पढ़ा रहे हैं अपने अपने उसमें, तो वो तो हो सकता है लेकिन वो परीक्षा कैसे करके दे सकता है? कठिनाई है, अभी ये कठिनाई है, और लेकिन हम जल्दी इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे ऐसा मेरा भरोसा है। हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए और वहाँ फिर इंटरनेट भी होना चाहिए, तो ये काम नहीं बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसमें भी हम कैसे रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। CBSE के जो 24,000 से भी अधिक जो स्कूल हैं, इसमें बहुत सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और ये बात सही है कि जब हम लोगों ने ये निकाला था कि पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अभी पहुंच नहीं हो पाई, तो कुछ हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा निकला है कि जहां तक अभी बहुत तेजी से पहुंच करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन परीक्षा तो संभव नहीं है, आपको तो मालूम है, और जो आंतरिक परीक्षा के लिए हम लोगों ने एक समिति गठित करेंगे और इसमें विचार विमर्श के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, उसके संभावनाओं को हम तलाशेंगे और उसके अंतिम रूप देंगे। जी तमिलनाडु से जननी जी, क्या बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने से पहले उपचारात्मक कक्षाओं में कम से कम एक महीने सम्मिलित होना संभव है? क्या हम उचित अभ्यास प्रदान करने के लिए पेन पेपर ऑफलाइन बोर्ड में स्कूल स्तर पर दूसरा प्री बोर्ड आयोजित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्री बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक आपने चर्चा की है, और पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है, और अब जब हमने जनवरी की जगह जनवरी फरवरी अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं तो ये उसको इतना अवसर ही तो मिल रहा है। तो वो एक महीने जो आप चर्चा कर रही हैं कि एक महीना अच्छा होता कि एक महीना यूं करके मिल जाता, तो मुझे लगता है कि एक महीने नहीं उसको 2 महीने मिल रहे हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो। अब आगे अभी फरवरी में तो हम कर नहीं रहे हैं अभी परीक्षाओं को, उसके बाद ही करेंगे, और कब करेंगे उसके लिए हम लोग विचार विमर्श करके तिथियों को तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस जो आपकी चिंता है उसका समाधान इसमें हो जाएगा कि जो एक महीने का जो आप कहते हैं प्री बोर्ड वाला, तो इसमें निश्चित रूप में आपका समाधान हो जाएगा और छात्र अच्छे से तैयारी कर लेगा। केरला से अविनाश जी कहते हैं, सर छात्र लगातार और अधिक सिलेबस कम करने के लिए कह रहे हैं, क्या सिलेबस में और कमी आएगी
यदि नहीं तो क्या हम प्रश्न पत्र में अतारांकित विकल्पों को बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए 30% तो सीबीएसई ने अपना उसको सिलेबस कम किया है, और अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 25% तक कम किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगभग 30% तक की उसमें संशोधन करके कटौती की है। तो और वैसे भी जब आप अविनाश जी आप कह रहे हैं, तो आपको तो मालूम है कि जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो 33% का जो है आंतरिक विकल्प उसमें रहता है, तो उसका प्राविधान है। आपने देखा होगा सीबीएसई की वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको इस सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपकी चिंता है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये हो ही चुका है। आंतरिक विकल्प ही उसको 33% का प्राविधान है, और सीबीएसई ने 30% अपना ऑलरेडी जो है जो पाठ्यक्रम है वो इन परिस्थितियों में कोविड की परिस्थितियों में उसको कम किया, और परिस्थिति जन्य और राज्य भी अपने तरीके से उसको कम कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों के चलते और राज्य भी अपना अपना निर्णय लेंगे। जी जी सार्थक जी, आपका कहना है कि नई शिक्षा नीति की सफलता के पीछे क्या रहस्य है? नई शिक्षा नीति के सफलता के पीछे क्या रहस्य है? धन्यवाद, आपने तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि नई शिक्षा नीति के आपको तो खूब मालूम है कि हम कितनी बार आपके पास आए हैं। पीछे के समय से लगातार हमारा संवाद हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श था, और शायद दुनिया में किसी नीति को तैयार करने में शायद ही इतना बड़ा विमर्श हुआ होगा। कितना बड़ा विमर्श? 1,000 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से परामर्श, 45,000 डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से परामर्श, 15-16 लाख स्कूलों के अध्यापक प्राध्यापकों से परामर्श, 1,10,00,000 अध्यापकों से बातचीत परामर्श उनके विचार, और 33 करोड़ छात्र छात्राओं के से भी चर्चा करना, और उनके माता पिता से भी चर्चा करना, ग्राम प्रधान से लेकर 250 ग्राम सभाओं से परामर्श करना, ग्राम प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक, और गांव से लेकर उसके संसद तक, शिक्षक से लेकर के शिक्षाविद तक, वैज्ञानिक से लेकर विशेषज्ञ तक, और सामाजिक संस्थाओं से लेकर के समितियों तक, कौन सा क्षेत्र छोड़ा हमने? सब क्षेत्र, और उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में डाला उसका मसौदा जिसपे 2 लाख से भी अधिक सुझाव आए, और हर सुझाव का विश्लेषण किया, तीन तीन जगह हमने सचिवालय बनाए, और एक एक सुझाव का जो विश्लेषण किया, उसके बाद ये इतनी खूबसूरत नई शिक्षा नीति आई है जो आज पूरे देश के लोगों को लगता है कौन विरोध करेगा। कई लोग मेरे को पूछते साहब विरोध क्यों नहीं हुआ, तो मैं उनसे पूछा क्या आप विरोध चाहते थे? नहीं, लोगों का स्वभाव हो गया कि कोई चीज आती है तो कर ही देते हैं कई बार, और फिर कुछ लोगों का तो सभी की संतुष्टि तो नहीं हो सकती थी। तो हमने उनको कहा नहीं, पूरे देश की शिक्षा नीति थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा सब तक पहुंच होनी चाहिए, सबके सुझाव आने चाहिए। तो देश का कोई व्यक्ति नहीं छूटा, जिसने दिया ही नहीं होगा तो उसके पार्ट पर होगा, लेकिन क्या लोगों ने पूरा इतना बड़ा विमर्श कभी नहीं हुआ। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक लगातार विमर्श करना, उनके विचार लेना, सब देश के शिक्षा मंत्रियों से एक बार नहीं कई बार की मीटिंग करना, देश के शिक्षा निदेशकों से लेकर शिक्षा सचिवों तक बातचीत करना, रेगुलर बात करना। तो इतना बड़ा विमर्श के बाद
ये नई शिक्षा नीति आई और मुझे खुशी है कि जहां पूरे देश के अंदर बहुत उत्सव का वातावरण है, वहीं मेरे देश ने नहीं दुनिया ने भी इसको बहुत अच्छा माना है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे आवास पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री आए थे, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा ये विजनरी शिक्षा नीति है, ये नए रिफॉर्म के साथ आई है, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी है। आपको आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले उन्हीं के एक विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय ने ये कहा कि कैम्ब्रिज ने कि ये तो भारत तो पहले ही शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, कैम्ब्रिज जैसा यूनिवर्सिटी जो विश्व की 3-4 श्रेष्ठ 800 वर्ष पुरानी श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में उसकी गणना होती है, उन्होंने अपने एशिया हेड को भेज करके यहाँ पर हमको सम्मानित भी किया और फिर मेल भेज करके हमको निमंत्रण दिया कि हम इस नई शिक्षा नीति को लेकर के आपकी पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, सब मिलकर के करना चाहते हैं क्योंकि आपकी बहुत बड़े रिफॉर्म के साथ, और मुझे लगता है कि शायद दुनिया का इस सबसे बड़ा रिफॉर्म वाली शिक्षा नीति होगी। और इसलिए लोगों को अभी जहां कैम्ब्रिज ने वो किया, अभी कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी द्विपक्षीय मीटिंग हुई, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में आपकी इस नीति को लागू करना चाहते हैं, हमको कुछ मदद करिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे मॉरिशस हो, और यहाँ तक कि कुरसाओ के प्रधानमंत्री जी अभी एक कार्यक्रम में जब मेरे से जुड़े थे वेद और विश्व शांति में, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है आपकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दुनिया के लिए बहुत शानदार है, तो उसको पूरी दुनिया स्वीकार रही है। मुझे भरोसा है कि जिस विश्व गुरु की कल्पना और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जो कल्पना की, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत, और जिस श्रेष्ठ भारत को उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप की उस रास्ते से होकर के जाएगी। और जो नई शिक्षा नीति आई वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरेक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस के आधारशिला पर है। इतनी खुशबू है इसमें, और इसलिए निश्चित रूप में जहाँ हमारा देश ज्ञान की माँ शक्ति के रूप में पहले भी था, मुझे भरोसा है ये जो नई शिक्षा नीति ये आपके माध्यम से आज फिर मेरा देश भारत ज्ञान की महाशक्ति बनेगा। और मैं एक बार आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप सब मुझसे जुड़े। अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न होंगे, कोई सवाल होंगे, तो ज़रूर आप मुझे सीधे संवाद भी करिए। हम कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा भी आपके साथ जुड़ सकें। और मुझे एक जाते जाते आपको एक अच्छी खबर ये देनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके विजनरी लीडरशिप में देश विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कल ही उनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि अमेरिका का बहुत ही सम्मानित अवार्ड है, उस अवार्ड से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नवाजा है, वो अवार्ड दिया है। तो हम सब शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा परिवार अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहते हैं। और एक बार फिर आप सबको मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।